ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन 14 नवंबर 2013 में खा के टेस्ट किए थे ना भाई, खा के टेस्ट किए थे क्या? हाँ, अपने उनका फोटो लगा दिया तो भाई उनको भी टेस्ट करना जरूरी है, कैसा है देखे। सर आज यहाँ सिम्बा और जैकी बहुत ज्यादा खेलने में बिजी है, मोइन इसको खिला रहा है। ए सिम्बा, वो जैकी भी नीचे आ गया, थक गया ना, अब थक गया, पर बिस्तर खराब कर दिया ये लोग तो। ए बहुत एनर्जी है इसमें, उस समय खाना खा रहे थे, ना इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, ज्यादा खाना नहीं खा रहे होते तो हो जाता। उठो, Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. And अभी मैं घर में हूँ और अभी ना थोड़ा देर पहले मैं और मोइन और जैकी और सिम्बा हम लोग साथ में खेल रहे थे, साथ में बोलते मोइन जो है ना जैकी और सिम्बा को खिला रहा था, और उसके थोड़ी देर बाद ही ना जैकी और सिम्बा में इतना डेंजर फाइट हुआ है कि जैकी सिम्बा को हम लोग यहाँ बंद किए, बिकॉज सिम्बा जैकी पे हमला कर दिया था, अचानक से लड़ाई होने लगा। मतलब आजकल ना क्या हो रहा है कि हम लोग का ज्यादातर टाइम जैकी और सिम्बा को लड़ते हुए देख करके टाइम खत्म होता है, या फिर उसको जो फाइट होता है ना उसको साइड कराने में हम लोग का टाइम खत्म हो जाता है। देखो अभी सिम्बा क्या कर रहा है, एंड यहाँ सिम्बा बंद है, ये रहा, पता नहीं इसको कल क्या हो गया है, क्या हुआ है तुमको, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, और इसीलिए मैं अभी इसको बंद करके रखा हूँ, बिकॉज अभी खोल दूंगा वापस लड़ने लगेगा। और देखो ये रहा जैकी, पता नहीं आवाज सुन लिया क्या, क्या जैकी खाने आया है क्या, ये खोज रहा है अभी भी सिम्बा को, सिम्बा को मैं बंद करके रखे, क्या हुआ सिम्बा चाहिए, ओए क्या हुआ। और मैंने सोचा आज फूड व्लॉग बनाने का, घर का तो व्लॉग होता ही है, डेली व्लॉग होता ही है, तो आज मैंने सोचा कि इसी में क्यों ना फूड व्लॉग को भी, क्या हुआ ओए, फूड व्लॉग को भी इसमें मिला लेते हैं, चलते हैं फूड व्लॉग बनाने के लिए, एक अच्छा सा कहीं भी फेमस खाना होगा वो खाने के लिए। वैसे मेरे को मालूम है दिमाग में है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है बिना स्किप किए, और वीडियोस को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या बोल रहे हैं अम्मी, जैकी सिम्बा का फाइट, जैकी या सिम्बा का इशारा कर रहा था, नहीं पता, सिम्बा देख रहा था इसे तो जैकी देख रहा, पीछे पीछे जा रहा, पहले ऐसे किया ठीक है दो बार ऐसे, फिर देखा फिर पीछे गया जैकी, मतलब जैकी स्टार्ट किया फाइट, हां जैकी स्टार्ट किया, फिर सिम्बा का इशारा किया, देख रहा है उसको बहुत गौर से, फिर ऐसे मारा दो बार, जैकी ना उसके बाद इसका शुरू हो गया, बाहर गया सिम्बा तो। मतलब स्टार्ट फाइट जैकी किया था, सिम्बा खत्म किया। सो गाइस, तो मैं रोड आ चुका हूँ, और मेरे को जहाँ जाना है उसके लिए मेरे को सी बस चाहिए, सी बस तो वैसे है नहीं रोड में, तो पहले चलते ऑटो से हावड़ा। सो गाइस, तो हावड़ा आ चुके हैं, एंड मेरे को अब सी बस खोजना होगा, सी बस अगर दिख गया उसमें बैठ जाएंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज। यहाँ तो एक भी सी बस नहीं दिख रहा है, 75, 71, 59 सब है, सी कहाँ है, और देखो ये रहा, यहाँ है सी बस, राष्ट्र बस बैठ चुके हैं सी बस में, चलते हैं पहले पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट से मेट्रो कर, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा मैदान, और मैदान से थोड़ा सा दूरी है, मुश्किल से 450 मीटर, एंड वहाँ पे है जहाँ का मैं फूड ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा अभी भी, मेरे को पहले वहाँ पहुँचना है उसके बाद बताऊँगा। सो गाइस, तो हम पार्क स्ट्रीट पे पहुंचने वाले हैं, एंड बस पहुंचने वाले हैं, और आ चुके हैं पार्क स्ट्रीट। सो गाइस, पार्क स्ट्रीट आ चुके हैं, एंड यहां से चलते हैं मैदान, और मैदान जाने के लिए सामने है मेट्रो स्टेशन पार्क स्ट्रीट का, और ये रहा सामने जूडियो, तो मैं सोचा जूडियो का ही ब्लॉग बना लिया जाए। सो गाइस, तो मैं वही पार्क स्ट्रीट में, यहाँ से मेरे को ना मैदान जाना है, मेट्रो स्टेशन से मैदान जाऊँगा, वहाँ से कैनक स्ट्रीट, एंड वहाँ पे है विक्टोरिया वाड़ा, फेमस एकदम खाने का, मतलब स्ट्रीट फूड है बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का विक्टोरिया वाड़ा, तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ। पर मैंने सोचा था कि मेरे पास बहुत टाइम है, तभी चलते हैं जूडियो का ब्लॉग बनाया था, बिकॉज मेरे को ब्रांडिंग वॉयर्स में अपलोड किए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, चलते हैं जूडियो का ब्लॉग बनाते हैं। Okay.
एंड ये टी शर्ट भी 299। सो गाइस, तो मैं चुटियों से बाहर आ चुका हूँ और मैं अभी चुटियों के बाहर, और अब चलते हैं विक्टोरिया वड़ा खाने के लिए। इसका नाम ही है विक्टोरिया वड़ा शॉप का, वहीं चलते हैं। तो चलते हैं मैदान, और मतलब पार्क स्ट्रीट से मैदान मेट्रो से, एंड वहाँ से जाएंगे हम लोग 450 मीटर दूर विक्टोरिया वड़ा खाने। टोकन का लेकर के देखो कितना लंबा लाइन है भाई मेट्रो स्टेशन में। खाली कौन सा भाई, और फुल है हर चीज। सो गाइस, तो आ चुके हैं मैदान मेट्रो स्टेशन के पास, और चलते हैं अब खोजने के लिए विक्टोरिया वड़ा। और वेदर देखो, आसमान है पूरा बादल, तब पूरी चुके एकदम ही नीचे हूँ मैं। तो आप चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा वेदर है यहाँ का, और इस वेदर में ना थोड़ा तीखा खाने मजा आएगा। तो यहाँ तो लाइन से ही स्ट्रीट फूड है वैसे देखा जाए तो। देखो ये रहा विक्टोरिया वड़ा, और ये रहा विक्टोरिया वड़ा, खाने के लिए चलते हैं। बना दीजिए, बहुत ज्यादा फेमस है मैंने सुना विक्टोरिया वड़ा यहाँ का, जो स्पेशल है वो बनाइएगा। जरूरी है कैसा है, क्या क्या मिलता है वैसे यहाँ पे? कांजी बड़ा, क्या क्या प्राइस है? कांजी बड़ा 60 रुपया प्लेट है, एक प्लेट में 2 पीस है, ये 70 रुपया प्लेट है, विक्टोरिया वड़ा 6 पीस है। 6 पीस है विक्टोरिया वड़ा बना दीजिए। कैसे यहाँ लगातार ही स्ट्रीट फूड है चौहान विक्टोरिया वड़ा, एंड पीछे साइड कैफे सब है जो दिखाने का है। ये रहा हमारा विक्टोरिया वड़ा। सो गाइस, ये खाने देख लेते हैं भाई। स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा स्मेल, बहुत ही ज़्यादा मस्त। ये रहा वड़ा गरम गरम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस, विक्टोरिया वड़ा मेरा ख़त्म होने को है, अब बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मैं इसको 10 में से 9 का रिव्यू दूंगा, बिकॉज टेस्ट अच्छा है। चटनी अब दोनों लोगे तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एक चटनी मज़ा नहीं आएगा। तो विक्टोरिया वड़ा खाया के भाई मज़ा आ गया, सच्ची में बोलना बहुत टेस्टी था। थैंक यू। सो गाइस, तो मेरे को विक्टोरिया वड़ा खा के मज़ा आ गया, बिकॉज वो गर्म था और थोड़ा तीखा था, जिसका से पसीना आया गया गर्म गर्म भाई, मतलब खाने का मज़ा ही बहुत ही अलग था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं इसका रेटिंग 10 out of 9 दूंगा, और जैसा नाम है ना विक्टोरिया वड़ा, सच में वैसा है। 6 पीस दिया है, पहला ग्रीन चटनी और ऑरेंज चटनी दोनों लेना, बिकॉज दोनों ही टेस्टी है। दोनों मिला के चटनी खाओगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, अकेले ग्रीन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मगर दोनों मिला के हमने खाया तो मेरे को ज़्यादा टेस्ट समझ में आया विक्टोरिया वड़ा का। बाकी यहाँ तो लगातार ही स्ट्रीट फूड है, लाइन से स्ट्रीट फूड है यहाँ। नेक्स्ट स्ट्रीट फूड के लिए अगर कमेंट करना तो मैं यहाँ करना, जितना भी स्ट्रीट फूड है सबको टेस्ट चेक करूँगा। अभी तो मैं विक्टोरिया वड़ा खाने जा रहा हूँ, फिर मेरे को भूख लगा हुआ है, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा, देखते हैं। और यहाँ पे विक्टोरिया सोडा शॉप, तो इसका नाम तो विक्टोरिया सोडा है, पर ये नॉर्मल सिकंजी जो होता है वो लिया था। एंड जब ये मोहल्ले में नहीं पीता सिकंजी, तो यहाँ मैं क्या पीऊँगा? चॉकलेट, क्या कहते हैं, बटर स्कॉच है, बटर स्कॉच एक कोनेडो। एंड मैं लास्ट ऑप्शन आइसक्रीम था, कोनेडो खाते हुए, बटर स्कॉच कोनेडो खाते हुए चलते हैं। तो कोनेडो खाते हुए चलते हैं अपने घर की तरफ। तो आ चुके वापस से मैदान मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ से वापस चलते हैं पार्क स्ट्रीट, बिकॉज मेरे को पार्क स्ट्रीट से खाली बस मिलेगा। अरे यार, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है मैदान में। सो गाइस, तो पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन में आ चुके हैं, चलते हैं बाहर। और बाहर आ चुके हैं, तो ये सामने ही सी बस है, बस खाली होना चाहिए। सो गाइस, तो पिलखाना आ चुके हैं, बट अब मेरे को वापस से, अभी तो थोड़ा पहले जस्ट आए पार्क स्ट्रीट से, आप लोग बोले कि जाएंगे हमको ड्यूटी जाना है, तो पहले ऑटो में LPG भरा रहे भैया, और मेरी अम्मी लोग बैठ करके ऑटो के अंदर, और मैं पार्क स्ट्रीट से आते साथ ही अम्मी लोगों के साथ जा रहा हूँ अभी शिवपुर। मेरी बहन को, मेरी अम्मी को कुछ काम है, और शायद हो सकता है जुड़ी हो जाएगी, या फिर कोई और जुड़े जाइएगा ना आप लोग शायद।
सो गाइस तो आ चुके हैं हावड़ा मैदान और अभी पक्का 8 बज रहा है। क्या बोल रहे हैं? 8 बज चुका है, 8:30 बजे से मालूम है एंट्री बंद हो जाता जूडियो में, पहले बोल रहे ठीक है। ये जूडियो के नाम पे तो रोड में शॉपिंग कर रहे हैं आप, वैसे जूडियो से अच्छा ही लग रहा देखने में कसम से। दाम 150 ना बोल रहे, जूडियो से अच्छा ही लग रहा है दिखा रहा है तो। सो गाइस जितना ही मैं खर्चा हुआ ना फूड ब्लॉग में मम्मी के साथ घूम के, वो पूरा पैसा मेरा बैकअप होने वाला, बिकॉज अभी मेरे को मालूम है इतना ही देर में 100 का फायदा हो गया और मम्मी लोग को मालूम भी नहीं कि मेरा 100 का फायदा हो गया और यहाँ जूडियो हो गया कैंसिल। तो आ चुके हैं घर, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, मतलब पार्क स्ट्रीट उसके बाद मैदान उसके बाद विक्टोरिया वड़ा उसके बाद वापस से मोहल्ला आती अम्मी लोग के साथ शिवपुर, शिवपुर नहीं मतलब फजील बाजार तक हम लोग गए थे, पर शिवपुर नहीं हावड़ा मैदान फजील बाजार हो गया पूरा कंप्लीट। अम्मी का शॉपिंग हुआ था कंप्लीट नहीं हुआ इस बार तो, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए जूडियो बंद हो गया 8:30 बजे, वैसे बंद होता है 9:30 बजे। भाई इतना थक गया था, क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कभी नहीं निकला ये कि। वालेकुम अस्सलाम।